नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है हमारा एक नया टॉपिक जो चला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आज ये लेक्चर टू आपके बीच रहेगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन आज फिर हम सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, हमने डायरेक्शन देखी क्या होती है। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपने किताबी ज्ञान को नहीं पकड़ना, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो पिछले लेवल की तरह नहीं है। आजकल जो डायरेक्शन में मेजरमेंट रखती थी, क्लॉक वाइज लेना है, एंटी क्लॉक वाइज लेना, वैसा कुछ नहीं करेंगे हम। खुद को उस जगह पे, उस पॉइंट पे एज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए और आज कुछ क्वेश्चन और हम करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के बीच में, बिना वक्त बर्बाद करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप इस लेक्चर को जरूर देखा करो, और मैंने आपको कल भी कहा था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उस समय पेन और कॉपी का उपयोग ना करें, सिर्फ इस लेक्चर को सुने, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जब फ्री बैठो, जब वीडियो आप देख लो, तब उसके बाद इसके नोट्स बनाओ। क्योंकि अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो, साथ ही में आप काम कर रहे हो, तो फिर मुश्किल हो जाती है चीजें, है ना। तो पहले समझिए, फिर उसके बाद आराम से नोट्स बनाइए। और एक बात और कहूंगा कि इस लेक्चर को आगे से आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, अपने यारों के बीच, ताकि सब जो है मिल करके इसको गेन कर सके और एक नया टॉपिक सीख सके। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। अच्छा ठीक है, मैं एक व्यक्ति को ले रहा हूं जो कि अपने घर से, ये उसका घर मान लेते हैं होम, अपने घर से 20 किलोमीटर चलता है कहां, पूर्व दिशा में। पूर्व, मैंने कल भी दिशाएं बताई थी, एक बार फिर बना देता हूं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अ पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया, फ्रॉम हिज होम कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, देन टर्न राइट, नीचे को होगा, टर्न राइट किया, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, देन टर्न्स टूवर्ड हिज राइट, उसके फिर से उसने राइट टर्न किया, तो इधर को, और कितना चला, 20 किलोमीटर चला, और अगेन नाउ ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, फिर साउथ डायरेक्शन में आया 10 किलोमीटर के साथ, एंड फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न एंड पहुंच गया कहाँ पे, 20 किलोमीटर दूर चल करके किसी पॉइंट पर, और ये इसका ऑफिस है बच्चों। अब बोला ये गया है आपको कि इफ ही ट्रेवल्स, ऐसे क्वेश्चन था कल भी ना, कल तीन क्वेश्चन तो ऐसे बन रहे थे, लेकिन आज क्वेश्चन को अगला मैंने बदल दिया इसका फैक्ट, कि इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ हाफ, या हार्ट लिखा है यहाँ पे, हाफ कर देना, हाफ ऑफ 5 मिनट एट ईच टर्न, देन हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच हिज ऑफिस। बोले अगर ये व्यक्ति 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड के साथ चलते, ये इसकी स्पीड है बच्चे, तो आपने ये बताना है, आगे ये भी बोला गया कि इस स्पीड से ये चलता है, साथ ही साथ हर मोड पर ये 5-5 मिनट रेस्ट लेता है, और रेस्ट लेने के बाद ऑफिस पहुंचता है, तो कुल समय इसको कितना लगा। यू नो दैट बच्चों की स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज द डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड होगी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात इस क्वेश्चन से करूं, तो डिस्टेंस कितना बच्चा, 20, 30, 30, 50, 50, 60, 70, 80, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टाइम आपने निकालना, स्पीड आपको दी है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 ओवर 15 कर दूंगा बच्चों। क्लियर है सभी को या नहीं, 18 डिवाइड बाय 15 कर दूंगा मैं। अब मुझे बताइए ये आपके पास आगे टाइम अगर डिवाइड करके देखें तो क्या बनता है आपके पास, देखो 15 किलोमीटर वो एक घंटे में चलता है, तो 15 × 15 = 30, 15 × 15 = 45, 15 × 75, मतलब 5 घंटे में वह, 5 आवर्स में वह 75 किलोमीटर चल लेगा, और 5 किलोमीटर चलने के लिए उसको 20 मिनट और लगेंगे, तो कितना टाइम लग रहा है उसको यह यात्रा करने में, 5 घंटे 20 मिनट में वो ये चीज कवर करेगा, मतलब 80 किलोमीटर कवर करेगा। देख समझे नहीं तो समझाता हूँ, देखो 15 + 15 + 15 + 15 + 15 बचे आपके पास 5, 15, 30, 45, 60, 75 और 5 80। पहले 15 को 1 घंटा, अगले 15 को 1 घंटा, तीसरे घंटे को 1 घंटा, फिर चौथे वाली 1 घंटा, फिर 5वां 1 घंटा, कितने हो गए, 5 घंटे बन गए। और अगर 15 किलोमीटर के लिए वो 1 घंटा लेता, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, अगर 15 किलोमीटर के लिए 1 घंटा ले रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 किलोमीटर के लिए वो 20 मिनट लेगा, तो टोटल उसे टाइम कितना लगा, 80 किलोमीटर के लिए 5 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा बच्चों। अब हर मोड़ पे वो 5-5 मिनट ब्रेक लेता है, तो बताइए 5 मिनट यहाँ ब्रेक ली, 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 मतलब टोटल 20 मिनट ब्रेक ले ली, तो टोटल उसको टाइम कितना लगा होगा, 5 घंटे 40 मिनट ये उसको टाइम पीरियड लगा होगा अपने ऑफिस पहुंचने में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों।
टू कार स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड। अच्छा एक दो कारें, एक कार मैं यू ले रहा हूं और एक कार मैं यू ले रहा हूं, दोनों कारें विपरीत दिशाओं से चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की तरफ और सड़क की जो दूरी बताई है आपको वो बताई गई है 150 किलोमीटर। ठीक है जी। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर, पहली कार में इसको मान लेता हूं, इसको दूसरी कार मान लेता हूं। पहली कार बोलेगा 25 किलोमीटर चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद अपने राइट टर्न लेती है और राइट टर्न लेने का 15 किलोमीटर चलती है। ये मेरे पास 25 किलोमीटर है, राइट टर्न किया तो 15 किलोमीटर नीचे पहुंची। अब इसके बाद देन रन्स 15 किलोमीटर, इट टर्न्स लेफ्ट, अब नीचे को अगर जा रही तो राइट ये होगा, लेफ्ट इधर, लेफ्ट टर्न किया और लेफ्ट टर्न करने के बाद फिर से 25 किलोमीटर चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद देन ही टेक्स द डायरेक्शन बैक टू द रीच द मेन रोड। अब मेन रोड की तरफ जाने के लिए इसने मूव किया तो मेन रोड इधर को, तो इधर को मुड़ेगी और कितने किलोमीटर जाएगी बच्चों, 15 किलोमीटर ही जाएगी ना, क्योंकि अगर ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा। ठीक है जी। अब आगे बोला गया इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर। जब तक ये इतना चली, कितना चली बच्चे, ये टोटल 25 प्लस 15 प्लस 15 मतलब 30 30 प्लस 20 55 55 प्लस 25 60 80 किलोमीटर। ये पहली कार कितना किलोमीटर चली, पहली कार चली 80 किलोमीटर। तो बोला जितनी में पहली कार, जितने टाइम पीरियड मान लो टी टाइम के अंदर ये इसने 80 किलोमीटर चला, लेकिन दूसरी कार थोड़ा सा माइनर ब्रेकडाउन के कारण वो सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर चल पाई इस टाइम पीरियड के अंदर। जब पहली कार 80 किलोमीटर चलती है टी टाइम में तो दूसरी कार उसी टाइम की पीरियड के अंदर सिर्फ 35 किलोमीटर चल पाई है। हो सकता है उस रोड पे रोड खराब हो या हो सकता है वो धीरे चलने वाला व्यक्ति हो, वो सिर्फ 35 किलोमीटर चल पाया लेकिन वो सीधे रोड पे चला है, तो सीधे रोड पे मैं मान लेता हूं 35 किलोमीटर चला है, इतना इतना। ठीक है जी। अब मैं मार्क चेंज करके आगे आपको बताता हूं। बोला ये गया है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। अब दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक कार ये पहुंच गई है, एक कार ये पहुंच गई है। अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक मैंने बताया 150 किलोमीटर था ना एक कार और दूसरी कार के बीच में। अब देखो ये 25 किलोमीटर, ये भी 25 किलोमीटर, तो मेन सड़क को कितना कवर किया पहली कार ने, टोटल 50 किलोमीटर। कितना टोटल 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर हो गया क्योंकि 25 ये था 25 ही ये था, और दूसरी कार ने यहां तक आई वो 35 किलोमीटर आई है। तो दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है आपने कितना होगा। तो बताइए 150 टोटल है, 50 इसने चल लिया, 35 इसने चल लिया, टोटल कितना चल लिया 50 प्लस 35, 85। 85 को इसमें से माइनस करिए बच्चे आंसर आ जाएगा, तो करिए 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए 14 में से 8 गए बोलिए सभी 65। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। टू कार स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेस ऑफ मेन रोड 150 किलोमीटर, सेम वही क्वेश्चन है, एक कार ये है एक कार ये है, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 150 किलोमीटर थी, कितनी थी 150 किलोमीटर। फर्स्ट कार रन्स 20 किलोमीटर टेक्स अ राइट। अब मैं मार्कर चेंज करके आगे करता हूं कि फर्स्ट कार जो है वो 25 किलोमीटर चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लेती है, राइट टर्न ले लिया और देन 15 किलोमीटर चलती है, फिर 15 चलती है, देन इट टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट इधर को चलेगी और फिर ये 25 किलोमीटर फिर से चलती है और 25 चलने के बाद ये मेन तरफ की, मेन सड़क की तरफ मुंह को करती है और वहां पहुंच जाती है मेन रोड पे, जो कि कितना अगर ये 15 था ये भी 15 होगा। आगे बोला गया इस बार क्वेश्चन को बदला गया कि देन टेक्स द डायरेक्शन मेन रोड इफ बोथ द कार आर रनिंग एट सेम स्पीड। अगर दोनों कारों की स्पीड इस बार सेम थी, इसकी स्पीड S1 थी तो इसकी भी S1 ही है। मान लो कि टी टाइम के अंदर ये टोटल टाइम टी लिया इसने ये करने का, टी टाइम में कितने किलोमीटर चली कार वन चली है 25 50 50 और 30 80 किलोमीटर चली टाइम T1 में, तो दूसरी कार की भी स्पीड सेम थी, अगर स्पीड सेम है तो वो भी सेम किलोमीटर चली होगी तो दूसरी भी 80 किलोमीटर चल पड़ी, तो वो 80 किलोमीटर चलने के बाद यहां पहुंच गई गई, मतलब इस कार 2 ने भी इस बार 80 किलोमीटर सफर किया, कोई ब्रेक डाउन नहीं किया, तो ये 80 किलोमीटर चली। दूसरी मेन रोड पे कितनी चली है 25 ये चली, तो ये 25 था तो ये भी 25 होगा, तो 25 25 होते बच्चे 50, तो ये वाली कार मेन कार ये वाली चली 50 और ये वाली चली 80 किलोमीटर मेन रोड को। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी ये बतानी है, तो बताइए मुझे टोटल 150 था, 80 इसने चल लिया, 50 इसने चल लिया, 80 50 130 माइनस करिए 20 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन है नहीं, 10 की जगह 20 कर लीजिए, ऑप्शन गलत है बच्चे, तो सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा।
फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं आज का, पॉइंट बी 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। जो पॉइंट बी है ना बच्चा, वो पॉइंट ए के, पॉइंट बी जो है पॉइंट ए के नॉर्थ में है। पॉइंट बी पॉइंट ए के नॉर्थ में है, कितने किलोमीटर पर? 7 किलोमीटर पर। पॉइंट ए इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट ए जो है वो पॉइंट जी के ईस्ट में है, तो जी कहां होगा? यहां पे कहीं, तभी ए पॉइंट क्या होगा? ईस्ट में आएगा। समझे बात को? तभी ए पॉइंट किस में आएगा? ईस्ट में आएगा। तो ये मेरा जी पॉइंट कितने किलोमीटर पे है? 8 किलोमीटर पे। तो ये डिस्टेंस आपका 8, ये वाला डिस्टेंस आपके पास 7। आगे बोला गया पॉइंट बी इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। जो पॉइंट बी है वो सी पॉइंट से 12 किलोमीटर ईस्ट में है। बी पॉइंट सी से 12 किलोमीटर ईस्ट, तो सी कहीं दूर होगा। ये आपका सी पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर। अब बोला गया पॉइंट ई इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। पॉइंट ई जो है वो डी के नॉर्थ में है, तो ई और डी अभी यहां पे नहीं, तो उनको मैं कहीं साइड में रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। आगे ये बोला गया कि पॉइंट ई इज 9 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी विच इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। क्या मतलब बच्चे, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला बिंदु ई बिंदु डी से 9 किलोमीटर उत्तर में है स्थित है, जो बिंदु ए से 12 किलोमीटर है। बच्चे तो एक बात याद रखिए, ये जो वर्ड यूज किया जाता है, ये जो वर्ड यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, समझे बच्चे। तो यहां पे क्या है, पॉइंट इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी विच इज, मतलब विच इज वर्ड यूज किया जा रहा है डी के लिए, डी के विच इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, मतलब डी जो है वो ए के 12 किलोमीटर ईस्ट में है। ई जो है ए के, मतलब सी के बिल्कुल नीचे होगा, कौन? डी। डी बिल्कुल सी के, क्योंकि आगे 12 किलोमीटर, तो ए से भी 12 किलोमीटर यही बनेगा ना, तो 12 किलोमीटर ये बन गया। समझ रहे बात को? ये नहीं, मैं दोबारा बनाऊं, ये आपका बच्चा बी था, बी के बिल्कुल नीचे लाइन इन सीधी बनती मेरी 7 किलोमीटर पे, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। अब बोला गया कि बी के बिल्कुल ईस्ट में जाकर के कितने किलोमीटर पर? 12 किलोमीटर पर आपको दिखेगा सी पॉइंट, और ए के बिल्कुल 7 किलोमीटर ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में जाकर के, 7 नहीं 8 किलोमीटर वेस्ट में जाकर के आपको दिखेगा जी पॉइंट। और बोला गया ए के बिल्कुल आप जाओगे किसमें, डी तक जाना है अगर आपने, तो वो 12 किलोमीटर वेस्ट में है, मतलब ए जो है डी के ईस्ट में है, तो 12 किलोमीटर इसके नीचे आएगा ना यहाँ पे डी, यहाँ पर डी जो कि 12 किलोमीटर दूर है यहां से लेकर के यहां तक। अब बोला गया है ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम, नहीं अभी एक पॉइंट और था, पॉइंट ई इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ई जो है डी के 9 किलोमीटर नॉर्थ में है। पॉइंट ई इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, पॉइंट इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। तो ई तो ऊपर चला गया बच्चा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत क्यों लग रहा है मुझे, 9 किलोमीटर देखते हैं आगे। ही वॉक्स 5 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट एल, किसकी बात की जा रही होता है ये, विच इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, एक मिनट रुकना, इरेज हो जाए तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है? मुझे ऐसे डाउट लग रहा है कुछ, या तो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम में हुआ है या कुछ और, एक बार दोबारा करते हैं इसको, देखना इसको। देखिए बच्चा, एक बार दोबारा कर रहा हूं, बिंदु बी बिंदु ए के उत्तर में है, बिंदु बी जो है बिंदु ए के उत्तर में है, कितने पे? बिंदु बी बिंदु ए के उत्तर में 7 किलोमीटर, ये आपका 7 किलोमीटर। आगे बोला गया था बिंदु ए बिंदु जी के 8 किलोमीटर पूर्व में है, बिंदु ए बिंदु जी के, तो जी कहीं यहां पे होगा, बिंदु ए बिंदु जी के पूर्व में है, कितने? 8 किलोमीटर। बिंदु बी बिंदु सी से 12 किलोमीटर पूर्व में है, बिंदु बी बिंदु सी से 12 किलोमीटर पूर्व में है, क्लियर बात, पूर्व में आ गया। बिंदु ई बिंदु डी से 9 किलोमीटर उत्तर में है, जो बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व में है, कौन? डी बिंदु जो है वो ए से 12 किलोमीटर पूर्व में है,
अच्छा बिंदु डी जो है ए से 12 किलोमीटर पूर्व में, तो पूर्व तो इधर बनेगा ना बच्चा, ये गलती हुई थी, तो डी कहीं यहाँ पे आ गया जो कि 12 किलोमीटर दूर है किससे, बिंदु ए से। और आपको अभी बताया कि बिंदु ई जो है बिंदु डी के, बिंदु ई जो है बिंदु डी के नॉर्थ में है, कितना कितना बोला गया है, 7 नहीं 9 किलोमीटर, तो ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये आपका ई यहाँ पे, ये आपका 9 किलोमीटर है, कितना 9 किलोमीटर, इतना इतना। आगे बोला गया एक व्यक्ति बिंदु डी से दक्षिण दिशा में शुरू होता है, एक व्यक्ति बिंदु डी से दक्षिण दिशा में शुरू होता है, दक्षिण का मतलब नीचे को, अच्छा दक्षिण दिशा में शुरू होता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है और चलने के बाद बिंदु आई तक पहुंचता है, ये आपका आई बिंदु पहुंचता है, और पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम मतलब देखो बच्चा अगर नीचे को चलता तो पश्चिम कहाँ को होगा इसका, पश्चिम मतलब वेस्ट, और वेस्ट मतलब इधर को मुड़ता है और के तक पहुंचता है, के तक पहुंचता है, इसमें लंबाई तो बताई नहीं है। देन ही टर्न्स वेस्ट एंड रीचेस पॉइंट के विच इज इन साउथ ऑफ सी, जो कि सी के साउथ में है, तो सी के साउथ में बच्चे बिल्कुल यहाँ पे होगा कहीं पॉइंट, कौन सा आपका पॉइंट के, तो यहां तक पहुंचता है कौन, ये यूं करके। तो आपको बोला गया फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू के, तो आपने डायरेक्शन भी बतानी है सी से के की, और आपने ये भी बताना है कि कितने डिस्टेंस में, बताओ सी से के, सी से के कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में, इतना आसान सा आंसर था और क्वेश्चन इतना अजीब सा। डिस्टेंस आना सी और के बीच का कितना होगा बच्चे बताओ, ये इतना इतना 5 किलोमीटर है, ये 5 तो ये भी 5 होगा, और इतना इतना बताइए कितना होगा ये वाला हिस्सा, ये 7 किलोमीटर है, तो 7 5 12 किलोमीटर साउथ में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो मैं दोबारा करवा दूंगा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।